मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जगदलपुर पहुंचे और दंतेश्वरी माई के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। सीएम ने माता से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर में विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के अंतर्गत आयोजित मुरिया दरबार में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में सौगातों का पिटारा खोल दिया। उन्होंने यहां बस्तर दशहरा के आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले माझी चालकी सहित विभिन्न पदाधिकारियों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा कर सभी का दिल जीत लिया। मुख्यमंत्री बघेल ने सांसद और बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा उठाई गई मांगों पर 20 घोषणाएं की। उन्होंने सभी माझी चालकियों से वन अधिकार पट्टे के लिए आवेदन लेकर उन्हें 6 माह के भीतर पट्टा देने की घोषणा की। इसी प्रकार मांझियों का मानदेय 1350 से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह, चालकियों का मानदेय 675 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये, कार्यकारिणी मेंबरिन का मानदेय 1000 से बढ़ाकर 1100 रुपये और साधारण मेंबरिनों का 1500 रुपये वार्षिक मानदेय, 21 पुजारियों का मानदेय 3000 से बढ़ाकर 3500 रुपये, गुरुमाय और भंडार देवी पुजारी, मुंडा बाजा वादक, मोहरी बाजा वादक और पूजा करने वाले 7 सदस्यों को 1500 वार्षिक मानदेय, जोगी बिठाई करने वाले लोगों को 11000 रुपये, रथ निर्माण करने वाले दल को 21000 रुपये के मान से कुल 42000 रुपये की राशि दिए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि विश्व का सबसे लंबा पर्व मनाने का कीर्तिमान बस्तर के पास है। प्रतिवर्ष 2.5 महीने तक मनाए जाने वाला यह पर्व इस वर्ष 3.5 माह तक मनाया गया। बस्तर दशहरा हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में सबसे अधिक समय तक चलने वाला पर्व है। यह आयोजन हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों में भी लोकप्रिय है, जिसे देखने बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी हर साल आते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर्व की सभी रस्मों का आयोजन करने के साथ ही कोरोना काल में सुरक्षा का भी भरपूर ध्यान रखा गया, जो काबिले तारीफ है। तीसरी विशेषता, सामाजिक संगठन इस प्रकार से बना हुआ है कि पूरे बस्तर अंचल के विभिन्न क्षेत्र से कोई माझी है, कोई पालकी है, कोई पुजारी है, कोई मेंबर है, मेंबरीन है, सेवादार है, राउत है, बहुत सारे पदों का निर्माण सैकड़ों वर्ष करके सामाजिक एकजुटता बनाए रखने की परंपरा यहाँ रही है, जो अभी तक चला रहा है। यहाँ मुरिया दरबार लगता है, मुरिया दरबार का निमंत्रण मुझे यहाँ के मंत्री और जो सांसद हैं, जो पदेन अध्यक्ष होते हैं समिति के, और उपाध्यक्ष और सभी लोग गए थे, निमंत्रण दिए थे, लेकिन चालके की मेंबरिन के बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन लगातार काम कर रहे थे, सबके बाद में जो वृद्धि की गई उनको नहीं मिलता था उनको भी देने की जो भवन पुराने हो गए थे और साथ ही नए निर्माण के लिए। बस्तर दशहरा के उत्कृष्ट आयोजन में सहयोग के लिए माझी चालकी सहित बस्तर दशहरा समिति के सदस्यों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुरिया दरबार से लौटने के बाद जगदलपुर के पुलिस ऑफिसर मेस पहुंचे, जहां बस्तर दशहरा उत्सव में जुड़े सभी माझी चालकी मेंबर मेंबरिन के साथ बैठकर उन्होंने भोजन भी किया। इस दौरान सभी अतिथि उपस्थित थे। देश टीवी के लिए बस्तर से धर्मेंद्र महापात्र की रिपोर्ट।